हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग काफी अच्छे हैं। वेलकम टू कॉमर्सी पाठशाला। तो प्रीवियस वीडियो हमारा टॉपिक जो था, मैंने ऑलरेडी वो डिस्कस कर लिया है ना। टोटल दो टॉपिक्स थे, क्वेश्चन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर ए हम लोगों ने ऑलरेडी कर लिया, यूटिलिटी ऑफ टाइम सीरीज एनालिसिस विद एन एग्जांपल। एंड सेकंड टॉपिक हमारा वो हम अभी करने वाले हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडाइसेस, है ना। हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडाइसेस करेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, एक एक करके हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू आस्क एवरीबॉडी टू जस्ट सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन एज वेल, सो दैट यू डोंट मिस एनी वीडियो दैट आई अपलोड। कोई भी वीडियो अगर आप मिस नहीं करना चाहते तो बेल आइकन को दबाना ना भूलें। एंड यस, नोट्स हमारे पास अवेलेबल है, हमारे पास एक ग्रुप है आप जो कि एक पेड ग्रुप है। सिर्फ ₹10 पर महीने के हिसाब से आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। किसी महीने अगर आपको लगता है कि वो इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप उस ग्रुप को लीव भी कर सकते हैं। बट अगर आप हर महीने ज्वाइन रहेंगे तो डिफरेंट जो भी अपडेट्स होती हैं, नोट्स आपको सस्ते मिल जाएंगे, असाइनमेंट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी, डिफरेंट बेनिफिट्स हैं जो कि आपको मिलती हैं व्हाइल यू ज्वाइन दैट ग्रुप। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वो है हमारा टाइप्स ऑफ इंडाइसेस। सो लेट्स टॉक अबाउट इट। ओके, नाउ इंडाइसेस आर मेजर्स दैट आर यूज्ड टू ट्रैक चेंजेस इन द वैल्यू ऑफ अ स्पेसिफिक मार्केट कमोडिटी और इकोनॉमिक इंडिकेशन ओवर टाइम। तो इंडाइसेस क्या होता है? देखो, आपने शेयर मार्केट में सुना होगा डिफरेंट इंडेक्सेस के बारे में, है ना, जैसे कि मेटल इंडेक्स, बैंक निफ्टी हो गया हमारा, तो बैंक बैंकिंग इंडेक्स हो गया वो, है ना, सेंसेक्स आपने सुना है, निफ्टी आपने सुना है। तो इस तरह के बहुत सारे ग्रुप्स बने होते हैं जिनको इंडेक्सेस बोलते हैं, इंडेक्स, है ना, उसी को इंडाइसेस एक तरीके से बोला जा रहा है, आप कह सकते हो। तो इंडाइसेस आर मेजर्स दैट आर यूज्ड टू ट्रैक चेंजेस इन द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक मार्केट। इंडाइसेस वो एक तरीके, यू नो, मेजर्स है जिसके जरिए आप ये पता लगा सकते हो किसी स्पेसिफिक मार्केट में क्या चेंजेस हो रही हैं, किसी कमोडिटी में क्या चेंजेस हो रही हैं, और अदर इकोनॉमिक इंडिकेटर ओवर टाइम, ये सारी चीजें आप पता लगा सकते हो। कैसा सिमिलैरिटी है मैं बताता हूँ। जैसे कि बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी एक बैंक का इंडेक्स है, यहाँ पे कोई भी चेंजेस होंगी तो वो बैंकिंग से रिलेटेड होंगी, वो पूरा का पूरा सेंसेक्स नहीं होगा। सेंसेक्स में क्या है कि जितने भी सारे यू नो स्टॉक्स बड़े बड़े हैं वो सारे वहां पे, निफ्टी 50 में 50 टॉप स्टॉक्स हैं, लेकिन उनमें बाइफर्केशन नहीं है कि ये मेटल का स्टॉक है, ये बैंकिंग का स्टॉक है, ये ऑटोमोबाइल का स्टॉक है ना। तो इस तरीके से बाइफर्केशन नहीं होता। तो बाइफर्केशन के लिए इंडाइसेस बनाए जाते हैं, इंडेक्सेस बनाए जाते हैं, और जब आप उन इंडेक्सेस को आप फॉलो करते हैं तो आपको पता चलता है कि उस इंडेक्सेस में, मतलब उस सेक्टर में, उस इंडस्ट्री में क्या क्या चेंजेस जो है वो हो रहे हैं, कमोडिटी में क्या क्या चेंजेस, इकोनॉमिक इंडिकेटर जो है वो किस तरीके से ओवर टाइम बदल रहा है, वो सारी चीजें आपको पता चल पाती हैं। देयर आर सेवरल डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडाइसेस इंक्लूडिंग प्राइस इंडाइसेस, क्वांटिटी इंडाइसेस एंड वैल्यू इंडाइसेस। नाउ आप इंडेक्स और टाइम सीरीज पे अगर चले आए तो यहाँ पे ये बात बताने की कोशिश की जा रही है। इंडेक्स नंबर्स आपने पढ़ा होगा स्टैटिस्टिक्स में, तो यहाँ पे उसकी बात की जा रही है, बट दोनों सिमिलर है। जो भी चीजें हम करते हैं याद रखना वो इंटरडिपेंडेबल होता है, सारी चीजें इंटरडिसिप्लिनरी होती हैं। ऐसा नहीं है कि इसका इस्तेमाल दूसरे सब्जेक्ट्स में नहीं होगा, सारी चीजें इंटरडिसिप्लिनरी हैं। ओके, सो नाउ तो यहाँ पे कौन कौन से इंडाइसेस के बारे में बात की गई? प्राइस इंडाइसेस, क्वांटिटी इंडाइसेस एंड वैल्यू इंडाइसेस। तो इन तीनों के बारे में एक एक करके डिटेल में करेंगे, देखते हैं फिर। तो सबसे पहला है प्राइस इंडाइसेस। प्राइस इंडाइसेस मेजर्स चेंज इन द प्राइस ऑफ अ स्पेसिफिक मार्केट और कमोडिटी ओवर टाइम। तो प्राइस इंडाइसेस क्या करता है, वो मेजर करता है किसी भी तरह का चेंज जो कि आया है किसी स्पेसिफिक मार्केट में या किसी कमोडिटी के लिए ओवर द टाइम। ठीक है ना, जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे किस तरह की चेंजेस जो है आ रही है किसी स्पेसिफिक मार्केट में या किसी कमोडिटी की प्राइस में, वो प्राइस इंडेक्सेस जो है उस चीज को मेजर करता है। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ प्राइस इंडेक्स इज द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो जो सबसे पहला, आई मीन जो मोस्ट कॉमन प्राइस इंडेक्स है वो है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जिसमें हम लोग इन्फ्लेशन वगैरह चेक करते हैं, बहुत सारी चीजें जो इसमें की जाती हैं। विच मेजर्स चेंजेस इन द प्राइस ऑफ अ बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज परचेस्ड बाय कंज्यूमर्स। ठीक है ना, तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या करता है, एक मिनट, सबसे पहला कॉमन जो प्राइस इंडेक्स है वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, और इसका काम होता है मेजर्स को, चेंज को मेजर्स करना जो कि किसी एक बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में हो रही है। ठीक है ना, जब हम कोई सामान खरीदते हैं तो हमारा एक बास्केट बनता है ना, उसी तरीके से कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में भी एक बास्केट होता है जो कि कंज्यूमर खरीदता है, तो उसके में किस तरह का बदलाव हो रहा है ना, उसको चेक करने का काम जो है इंडाइसेस करता है, प्राइसेस इंडाइसेस जो है उसको चेक करता है। किसी भी तरह का डेविएशन अगर होता है, चेंज अगर होता है, तो वो वहां से किया जाता है। फॉर एग्जांपल, द यूएस ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स पब्लिशेस अ मंथली सीपीआई दैट ट्रैक्स चेंज इन द प्राइसेस ऑफ आइटम्स सच एज फूड, क्लोथिंग, हाउसिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन। तो यूएस की अगर बात करें, यूएस ब्यूरो की अगर बात करें, तो वहां पे यू नो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है मंथली उसको पब्लिश किया जाता है बाय द ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स, है ना। तो वो क्यों करते हैं, ताकि वो चेंजेस जो हो रहा है आइटम्स में, जो चीजें हैं जैसे कि फूड हो गया, क्लोथिंग हो गया, हाउसिंग हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, उसको वो लोग ट्रैक करते हैं, पता करते हैं।
ठीक है। नाउ क्वांटिटी इंडाइसेस, क्वांटिटी इंडाइसेस मेजर चेंजेस इन द क्वांटिटी ऑफ अ स्पेसिफिक कमोडिटी प्रोड्यूस्ड और कंज्यूम्ड ओवर टाइम, ठीक है ना। तो क्वांटिटी इंडाइसेस नाम से पता चल रहा है कि ये क्वांटिटी को एक्चुअली ज्यादा टारगेट करता है। क्वांटिटी इंडाइसेस मेजर करता है क्वांटिटी में, जब कोई स्पेसिफिक क्वांटिटी में किसी तरह का बदलाव होता है या किसी कमोडिटी में किसी तरह का बदलाव होता है या कंजम्पशन किसी चीज का बढ़ जाता है या घट जाता है, तो उस चीज के ऊपर जो है क्वांटिटी इंडाइसेस काम करता है। फॉर एग्जाम्पल द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इंडेक्स मेजर्स, देखो यहाँ पे इंडेक्स बोला गया, इंडेक्स इंडाइसेस सेम है, ठीक है ना, इंडेक्स वही चीज है, इंडेक्स इंडाइसेस भी वही चीज है। फॉर एग्जाम्पल द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इंडेक्स मेजर्स चेंज इन द क्वांटिटी ऑफ एग्रीकल्चर गुड्स प्रोड्यूस्ड इन अ स्पेसिफिक रीजन ओवर टाइम, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे समझाने की कोशिश की गई कि किसी स्पेसिफिक रीजन में कोई चीज अगर बहुत ज्यादा हो रही है या बहुत कम हो रही है तो उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होगा, तो उन रीजन को पता करने के लिए जो है इन सब चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। This type of index can be used to track change in productivity. हो रहा है ना? Productivity में किस तरह का change हुआ? उसका इस्तेमाल करने के लिए quantity indices का इस्तेमाल किया जाता है। किस तरीके से change हुआ? क्यों हुआ? है ना? And to identify potential supply chain issues. Supply chain में किसी तरह का कोई issue है, potential कोई issue है जो कि आने वाले समय में हो सकता है issue, उसको identify करने के लिए भी quantity indices का इस्तेमाल किया जाता है। Last but not the least, value indices measures change in the value of a specific market or commodity over time, taking into account both price change in price and change in quantity. तो value indices में जो है price indices और quantity indices का mixture होता है बोल सकते हैं, क्योंकि दोनों को ध्यान में रख करके commodity में over time किस तरह का changes हुआ, इन सब चीजों के ऊपर जो है ध्यान दिया जाता है value indices में, ठीक है ना। For example, the gross domestic product. For example, the gross domestic product is an index value, a value index that measures change in the total value of goods and services. GDP में क्या होता है? GDP में total value of goods and services होती हैं, है ना? तो वो सारी चीजें जो हैं, यहाँ पे example के तौर पे समझाने की कोशिश की जा रही है कि यहाँ पे जो index है ना? GDP एक value index है जहाँ पे पता किया जाता है कि goods and services की क्या value है, ठीक है? यहाँ पे सिर्फ price या फिर quantity एक factor नहीं है, बल्कि यहाँ पे value को check किया जा रहा है। Now, produced by a country over time. Other examples of value indices include a stock market index. देखो value indices में stock market index में Sensex हो गया, Nifty हो गया, क्योंकि यहाँ पे सारे तरह के stocks हैं। लेकिन अगर हम specific चले जाएं तो फिर वहाँ पे indexes अलग हो जाएंगी। Bank Nifty है, metal है, automobile है, ancillary जो parts होते हैं वो है ना? फिर आपका real estate है, बहुत सारी चीजें हैं। तो वहाँ पे indexes होती हैं। Real estate देखो यहाँ पे लिखा भी है, basket of stocks. And the real estate price index, which measures change in the value of real estate over time, है ना? So these are the things that matters, and यही सारी चीजें मैंने आपको बताने की कोशिश की है। I hope कि आपके वीडियो काफी पसंद आया होगा। इसके बाद दूसरा लेक्चर है, उसको भी हम कवर करेंगे हमारे आने वाले वीडियो में। So till then, take care, bye bye, subscribe कर लो हमारे चैनल को, share करो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ ताकि उनकी भी पढ़ाई ठीक तरीके से हो सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखो, bye bye, thank you.